आज आपने बिग बॉस 16 में अब्दू रोजिक एमसी स्टैन एंड शिव ठाकरे की दोस्ती तो देखी होगी। वही अब अब्दू रोजिक एंड एमसी स्टैन के बीच फाइट हो रही है। अब्दू रोजिक ने मीडिया में कहा है कि दोस्ती खत्म हो गई है एमसी स्टैन के साथ। वही 23 million इन माय सॉन्ग व्हाई आई किल ब्रो शिवान दिस ब्रो एमसी मेक रील व्हाई आई डोंट नो व्हाई दिस डूइंग लाइक दैट व्हिच टाइम आई कॉल हिम सिस्टम Just calling, not talking me hi, also not talking salam alaikum, just offing in my face. Every time coming in my head. One time just not talking people, just why MC. Do you think I'm talking MC Stan like that, or I'm doing anything bad for MC Stan? Which time MC Stan in Big Boss, every time sad, I'm with him. Every time. Now, just going talking from the media, Abdu is talking, I have to make song with Abdu, like that. Why I need with MC Stan song? Why? भाई अब्दू रोजिक के टीम ने एक स्टेटमेंट जारी की है, आप देख सकते हो स्क्रीन पर। All media is talking me about me, but I'm not friendship khatam, I don't want to talk, done. Why? I don't know. तो जब शिव ठाकरे से इस बारे में पूछा गया तो देखो क्या कहा शिव ठाकरे ने एमसी स्टैन एंड अब्दू रोजिक के फाइट पर। और रूठना मनाना बिग बॉस के अंदर होता था, आपने वो भी देखा है, हाउस के अंदर भी दिखता था। अभी हमने बोला थे हम चेंज नहीं होंगे, तो हम वैसे ही है पागल लोग जो 6 लोग थे, एक दूसरे की खिंचाई करते थे फिर मनाते थे। सिर्फ अभी चीजें होती है उसका गुस्सा अंदर नहीं रह सकता है। गुस्सा मतलब कुछ छोटी सी बात हुई होगी, मुझे पूरी बात पता नहीं, बट वही चीज सिर्फ सबके सामने आ रही है। और मुझे लगता है ना कि कभी कभी होता है कि अंदर लोग अलग होते हैं बाहर अलग, तो ये वही नेचुरल लोग हैं कि जो गुस्सा या फिर रूठना मनाना छुपा नहीं सकते, जता देते और वो अभी बाहर चला गया। मुझे लगता है 2-3 दिन में आपको पता चलेगा कि वो फिर से हो गए लव यू ब्रो, लव यू एमसी, वो अब्दू को बोलेगा, ये हो जाएगा, ये छोटी सी चीज है।